हम इस वक्त संजौली में हैं, जहां एक मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और इसको देखते हुए पूरे संजौली में कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संजौली मस्जिद के आसपास धारा 163 लगा दी गई है। धारा 163 का मतलब धारा 144 का ये दूसरा रूप है और इसके तहत यहाँ पर कोई भी 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी और पूरा जो इलाका है ये पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देखिए बड़ी संख्या में जो हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ सड़कों पर नजर आ रहे हैं और सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो धारा 163 है वो यहाँ पर प्रभावी रहेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो रिजर्व बटालियन है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। और मस्जिद की अगर हम बात करें, ये संजौली चौक पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और मेरे पीछे आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो रास्ता है ये मस्जिद की तरफ जाता है। मस्जिद के आसपास जाने की इजाजत अब किसी को नहीं है और आप देखिए मस्जिद की तरफ यहाँ से रास्ता जाता है और जो सामने पुलिसकर्मी खड़े हैं वो उसी रास्ते पर खड़े हैं जहाँ से मस्जिद के लिए नीचे पहाड़ से उतरा जाता है। यहीं पर एक जो मस्जिद है वो बनाई गई है और जिसमें जो 4 मंजिला निर्माण किया गया है इसको लेकर सवाल है कि ये बिना नियमों के बिना मंजूरी के जो मस्जिद की का जो ऊपरी हिस्सा है जो खासकर जो 4 मंजिले हैं उनको बनाया गया है। और मस्जिद भी दिखाने का हम आपको प्रयास करेंगे, हालांकि नीचे जाने की मनाही है लेकिन प्रयास करते हैं और दिखाते हैं आपको कि मस्जिद कहां पर है और आपको ये जो लोकेशन है इसके बारे में भी समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो रास्ता जाता है यहां पर ये पुलिसकर्मी खड़े हैं, ये मस्जिद के लिए रास्ता जाता है लेकिन अब यहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का जो आवाजाही है उसको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, किसी को इजाजत नहीं है। और ये जो सामने रास्ता देख रहे हैं आप ये मस्जिद के लिए जाता है। सामने ही यहां से अगर आप हम दिखा सकें कोशिश करेंगे वो सामने मस्जिद है जिसमें अवैध निर्माण किया गया है, ये जिसकी छत आप देख सकते हैं यहाँ से तस्वीरों में अंडर कंस्ट्रक्शन है और हरे रंग की छत जरूर नजर आ रही है, नीचे खिड़कियां हैं लेकिन खिड़की दरवाजे भी उसमें नहीं लगाए गए हैं। तो ये जो मस्जिद है इसको लेकर विवाद है। मस्जिद के सामने भी नीचे जो हिमाचल प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं आला अधिकारी हैं वो वहां पर लगातार मौजूद हैं और जो हिंदू संगठन है वो लगातार सोशल मीडिया पर अपील कर रहे थे कि लोग आए जुटे यहाँ पर, लेकिन उनसे निपटने के लिए यहाँ हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर है, धारा 163 यहाँ पर लगा दी गई है जिसके तहत किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन नारेबाजी को लेकर पूरी तरीके से प्रबंध रहेगा। तो देखना होगा, 11 बजे का समय दिया गया है हिंदू संगठनों के द्वारा जब वो यहाँ पर आएंगे और जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है कि अगर जो अवैध मस्जिद है जो नियमों के खिलाफ बनाई गई है अगर उसको डिमोलिश नहीं किया जाता है तो फिर ये काम वो खुद करेंगे। तो देखना होगा, बड़ी चुनौती है हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए। संजौली मस्जिद के आसपास हिंदू संगठनों के विरोध के ऐलान को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है। हर रास्ते पर हिमाचल प्रदेश पुलिस नजर आ रही है, बड़ी तादाद में जो रिजर्व बटालियन है उसको भी यहां पर बुलाया गया और आप देख सकते हैं तस्वीरें, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, कोई बवाल ना हो उसको रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस यहां पर तैनात नजर आ रही है। सुबह से ही यहां पर देखिए अब किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो बड़ी तादाद में यहां पर जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं, कमांडो हैं, रिजर्व बटालियन है, तमाम जो एडिशनल फोर्स है बाकी जिलों से भी यहां पर बुलाई गई है। ये संजौली का इलाका है, शिमला से सटा हुआ है और यहां पर एक मस्जिद जिसमें 4 मंजिला बताया जा रहा है कि जो निर्माण कार्य किया गया है वो अवैध है उसको लेकर यहाँ के लोगों में आक्रोश है, हिंदू संगठनों में आक्रोश है और उसी आक्रोश को देखते हुए कुछ संगठनों ने कहा था कि अगर अवैध निर्माण को नहीं ढहाया गया तो वो अपने हाथ में इस काम को लेंगे और जो अवैध निर्माण है उसको गिरा दिया जाएगा। हालांकि मामला नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में है, 5 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होनी है लेकिन इससे संतुष्ट कुछ संगठन नजर नहीं आ रहे हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने आज संजौली में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया और आप देखिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो शील्ड के साथ, हेलमेट के साथ, डंडों के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की पुलिस है और बड़ी चुनौती है हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए, किसी भी अप्रिय घटना को वो कैसे रोक पाएंगे ये देखने वाली बात होगी क्योंकि इससे पहले 4 तारीख को जब यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ था बहुत बड़ी तादाद में हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हो गए थे। ऐसी स्थिति दोबारा ना बने
और इसको काबू में रखा जाए, इसको लेकर हिमाचल प्रदेश लगातार प्लानिंग कर रही थी और इसीलिए धारा 163 भी लगाई गई है। पूरे इलाके में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और किसी भी प्रकार से धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, इस पर पूर्णतया रोक रहेगी। और चाहे रिजर्व बटालियन की बात करें, हिमाचल प्रदेश पुलिस की बात करें, बड़ी तादाद में जो पुलिस है वो यहाँ सतर्क तैनात नजर आ रही है। सांजोली से जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। एक टॉप शॉट डालना, एक टॉप डालना।